हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है सिविक्स का, क्लास सिक्स चैप्टर 23, ओके, वेटस्टोन पब्लिकेशंस सोशल स्टडीज़ बुक। तो इसके पहले हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, मैंने आपको समझाया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, हमें डेली टू डेली लाइफ में, इवन हमें हमारे घर में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ अनदर कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजियस डाइवर्सिटी, जो आपके रिलीजन्स होते हैं, धर्म होते हैं, जैसे कि हमारे देश में हम देखते हैं कई तरह, कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जो अलग अलग, जिनके अलग अलग जो हैं पूजा पाठ करने के तरीके हैं। ठीक है, त्यौहार मनाने के तरीके अलग हैं। सो पीपल हु फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमें ये देखने को मिलता है बेटा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, उनके पूजा पाठ के तरीके होते हैं अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है जो मेजॉरिटी, जो रिलीजन होता है और जिनका कस्टम अलग होता है। ठीक है, मतलब एक आप मेजॉरिटी में जो रिलीजन है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसकी जो है पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट इन सम केसेस आप देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, ट्राइबल्स। ठीक है, जनजाति के जो लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, उनका हमेशा हमने देखा है मज़ाक उड़ाया जाता है। ठीक है, रिडिक्यूल्ड उन्हें महसूस फील करवाया जाता है, इस वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उनका कस्टम अलग है, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, वो शहरों में नहीं रहते। ठीक है, तो इस वजह से उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हम अनजाने में कर देते हैं। ठीक है, देखिए केस स्टडी यहाँ पर एक दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। सोसाइटी एंड सोशल रिफॉर्मर्स, जो हमारे समाज को सुधारने वाले जो लोग थे वो कौन थे, है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइप और प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप जो है ना, रूढ़ीवादी परंपराएं जो होती हैं, या तो फिर लोगों के साथ भेद पक्षपात करने, ये सारी चीज़ें बेटा आज से नहीं, ये कई सालों से चली आ रही, सदियों से चली आ रही हैं। जैसे कि अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो दुर्भावना है, सती प्रथा जो होती है ना, बर्निंग ऑफ वाइफ ऑन हस्बैंड्स फायर, जो पति की जो चिता होती है ना, जब हस्बैंड को जलाया जाता है तो उस पर वाइफ को भी बैठा दिया जाता था कि अब हस्बैंड तो तुम्हारा मर चुका है, सो यू डोंट हैव एनी लाइफ, यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव, तो आप तो में भी जला दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी, फिर पैथेटिक कंडीशन ऑफ विडो, विधवा जो होती थी, उनकी जो कंडीशंस होती थी वो बहुत बुरी होती थी, है ना। तो ये जो चीज़ें थी बहुत हमारे इंडियन सोसाइटी में प्रोमिनेंट थी, मतलब होती ही थी ये चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, आप समाज के जो देख सकते हैं, समाज का अच्छा चाहने वाले जो लोग थे, रिफॉर्मर्स जो थे हमारे, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, है ना, महात्मा गांधी, तो ये इन्होंने बहुत कोशिशें की बेटा, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी कि हमारी समाज से ये जो दुर्प्रथाएँ हैं, एविल जो प्रोमोटिंग कस्टम्स हैं, ये निकल जाएँ, ये ख़त्म हो जाए और हमारा समाज एक बेहतर समाज बने। रिलीजन के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी चीज़ें हमारे समाज से ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सब उन्हें जानते होंगे, वो महर कास्ट के थे। ठीक है, मतलब आप अगर इजी वर्ड्स में कहें तो वो लो कास्ट के थे और उन्हें अनटचेबल माना जाता था, छुआछूत होता था बेटा उनसे बहुत, और उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्हें सीजलेस स्ट्रगल्स, मतलब ऐसी लड़ाई लड़ी, उन्होंने इतना कठिन समय देखा कि उन्होंने समाज से जस्टिस को खींचा, छीन लिया, समाज से जस्टिस को ले करके आए वो आगे आके। ठीक है, और इस वजह से ही आज कास्टिज्म जो है इतना कम हो चुका है, मतलब जितना हो रहा है वो तो कुछ परसेंट ही है जो हमारे ओल्ड सोसाइटी में होता था उसका। ठीक है, द मोस्ट डिवेस्टेटिंग कॉज ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ पोवर्टी। तो जिस भी देश में भेदभाव होगा, पक्षपात होगा, वहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा उसका,
पॉवर्टी, गरीबी होगी, क्योंकि जो हकदार है उसे उसका हक नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा फिर, है ना। पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसों पर भी इन डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, अमीरी गरीबी, है ना। दे मे नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉदिंग, हैंस दे आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड फेस ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन। बेचारे जो गरीब होते हैं, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छा खाना नहीं होता है, बड़ा घर नहीं होता है, तो जो अमीर होते हैं वो उन्हें कैसे देखते हैं, बहुत डाउनवर्ड टाइप का, कि ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। किस बेसिस पर? वेल्थ के बेसिस पर, जो कि बिल्कुल गलत है। पैसों के बेसिस पर अमीरी गरीबी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आगे चलते हैं, फिर है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है? रूढ़ीवादी होना, अ फिक्स आइडिया और इमेज दैट अ पर्सन मे हैव ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन विच मे नॉट बी ट्रू। किसी के प्रति पहले से फिक्स आइडिया या सोच बना लेना, जो कि हो सकता है बहुत गलत हो, जो कि हो सकता है सही ना हो। बेटा प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप काफ़ी हद तक सेम है, और बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप्स अस लुकिंग एट थिंग्स इन अ सेंसिबल वे। स्टीरियोटाइप जो होता है, रूढ़ीवादी जो होती हैं चीज़ें, वो हमें चीज़ों को सही तरीके से देखने नहीं देती हैं, ठीक है। चलिए और अच्छे से समझते हैं कि स्टीरियोटाइप होता है क्या। देखिए, ऑल द गर्ल्स इन राधाज विलेज कुक, वॉश एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब्स बिकॉज इन हर सोसाइटी इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ वूमन टू डू हाउस होल्ड जॉब्स। जैसे कि राधा, राधा एक लड़की है और उसके गांव में सारी लड़कियां जो हैं घर के काम करती हैं, पढ़ने नहीं जाती हैं, घर के काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि उन्हें उनके समाज में माना जाता है कि लड़कियां जो हैं वो घर के कामों के लिए ही बनी हैं, ठीक है। ये एक स्टीरियोटाइप है, रूढ़ीवादी। फिर बॉयज़ डोंट क्राई, ये भी एक रूढ़ीवादी परंपरा है। क्यों भाई, क्यों नहीं रो सकते लड़के? लड़के क्या इंसान नहीं है? लड़कों को आंसू नहीं आते क्या? तो ये भी क्या है बेटा, स्टीरियोटाइप है ना। फिर ये एक स्टीरियोटाइप है, बॉयज़ बीइंग स्ट्रांग, गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड वीक। बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं, लड़कियाँ सॉफ्ट होती हैं, नाजुक होती हैं। क्यों होती हैं भाई नाजुक लड़कियाँ? क्या आज के डेट में लड़कियाँ एयरफोर्स में नहीं जाती हैं, वॉर में नहीं जाती हैं? नहीं, स्ट्रांग होती हैं लड़कियाँ, ठीक है। तो ये सारी रूढ़ीवादी चीज़ें हैं। फिर धीरज इज़ अ माइजर एज ही बिलोंग्स टू अ कास्ट वेयर ऑल आर माइजर्स। धीरज अकलमंद है, समझदार है, होशियार है, क्योंकि वो ऐसी कास्ट को बिलोंग करता है जहाँ पर सभी समझदार होते हैं। वॉट, ये गलत है ना। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन्हें ही हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। फिर रीटा डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, हर टीचर टेल हर इट्स ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स। रीटा को मैथ्स में गुड मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो उसके टीचर ने कहा इट्स ओके रीटा, क्योंकि गर्ल्स जो हैं मैथ्स में अच्छी नहीं होती। तो ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताए, ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़ीवादी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की रूढ़ीवादी चीज़ों से बेटा दूसरों की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट होती हैं, लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कम्युनिटीज़ में, समाजों में लड़ाइयाँ होती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ईच पर्सन इज़ एन इंडिविजुअल विथ यूनिक क्वालिटीज़ एंड स्किल्स। तो स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हर पर्सन इंडिविजुअली, हर किसी के पास उसका टैलेंट होता है, उसकी स्किल्स होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग टेक्स अवे फ्रॉम अ पर्सन हिज इंडिविजुअलिटी एंड प्लेसेस हिम इनटू अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ सपोज टू फॉलो ओनली वन पैटर्न और टाइप। रूढ़ीवादी जो चीज़ें होती हैं वो किसी एक पर्सन की, उसकी इंडिविजुअलिटी ले लेती है, ठीक है, और उसे एक ऐसे ग्रुप में डाल देती है जो कि एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि गर्ल्स मैंने अभी आपको बताया, बॉयज़ मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सोसाइटी से अलग करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, लिटरेट होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप एजुकेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं बेटा, उतना ज़्यादा ये जो प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। और एक चीज़ और, ना सिर्फ एजुकेशन से, अवेयरनेस से भी, जागरूक भी होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है, हमें हमारी सोच को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, और जब अपनी सोच को साफ़ सुथरा रखेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप साफ़ हो जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।